मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान करे प्लीज, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ। और जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान के है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान के भी है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को, मणिपुर हिंदुस्तान किया है, हिंदुस्तान का क्या है मणिपुर? भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज क्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता का आपने मणिपुर में की। भारत माता को
आपने मणिपुर के लोगों के मणिपुर के लोगों को मैं आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश मणिपुर में की। आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ के हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप सही है मत बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता हो। धन्यवाद स्पीकर।